don't forget to click on bell icon to get all latest updates. 2016 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म पिंक का रीमेक बनाया जा रहा है। इसे बॉनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस फिल्म से विद्या बालन तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगी। वो इसे लेकर काफी एक्साइटेड है। विद्या बताती है कि मैंने पिंक के रीमेक में काम करने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि ये बॉनी कपूर की फिल्म है और मैं उनकी स्वर्गस्थ पत्नी श्रीदेवी का दिल से सम्मान करती हूँ। मैं उनसे बहुत ही कम बार मिल पाई और उनको जानने के पहले ही उनकी अकस्मात से मृत्यु हो गई। मैं ये फिल्म उनके लिए ही कर रही हूँ। विद्या बताती है कि बॉनी हमेशा से ही मुझे बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मिले हैं। जब उन्होंने मुझे पिंक फिल्म के रीमेक के लिए कॉल किया और कहा कि इस फिल्म में मेरे लिए एक रोल है तो मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया। मैंने इस फिल्म में काम करने का फैसला एक तो श्रीदेवी के लिया है और दूसरा मुझे तमिल एक्टर अजीत जैसे बड़े कलाकार के साथ काम करना था। पर्दे पर कम दिखने को लेकर विद्या कहती है कि मैंने 3 फिल्में बेगम जान, कहानी 2 और तुम्हारी सुल्लू एक के बाद एक फिल्म की है, इसलिए मुझे एक ब्रेक चाहिए था। इसके बीच थोड़ी स्क्रिप्ट्स मुझे पसंद आई थी, जैसे शकुंतला देवी की शूटिंग सितंबर में शुरू करने वाली हूँ। इसी बीच मिशन मंगल फिल्म की और NTR की बायोपिक में भी नजर आई। इस बीच में मैं छोटे छोटे ब्रेक लेती रहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ काम ही नहीं कर सकती, ब्रेक लेकर अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।